Jungle. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सबके प्यार और आशीर्वाद की वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और आज से एक नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पूरा दिन कैसे बीतता है। तो चलिए, अभी मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ और गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है यहाँ पर। वैसे कल रात को बारिश हुई थी पटना में, बट फिर भी मॉर्निंग होते ही गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। पर क्या फ़र्क पड़ता है, काम तो करना ही है। तो चलिए फिर चलते हैं, देखते हैं मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या दिखा पाती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमेशा की तरह इस बार भी मैं वही गड़बड़ करती आ रही हूँ। कल उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और आज शाम हो चुके हैं और मैं अभी मतलब रिकॉर्ड करना शुरू किया है मैंने, क्योंकि अभी ऑफिस से जल्दी हो गई हूँ आज। तो मैंने सोचा कि चलो लेते हैं, बट अभी कुछ लिया नहीं है मैंने, बस ऐसा सोच रही थी। मैं आई हुई जरूर हूँ, ये लगा हुआ है, जो कि मैं देख चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी मूवी थी। बट देखती हूँ, अगर लेती हूँ तो ठीक है, नहीं लेती हूँ तो ऐसा कुछ क्रेज नहीं है कि मुझे देखना ही है ये वाली मूवी। एक पता है ना कि हाँ मुझे ये मूवी देखनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो बस देखते हैं, अभी अभी का इंतज़ार कर रही हूँ। कोई मैंने बोला है कि आज ही अभी वो ऑफिस नहीं थे, बट मैंने उनको बुलाया है थोड़ी देर के लिए। देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ, इसको बस कहीं भी गन दिखना चाहिए, पोस्टर में भी गन लगा हुआ है, उसको भी खरीद के चाहिए इसे। क्या बोला, तो फिर देखते हैं कि शाम कैसे गुजरती है, कहाँ कहाँ जा पाती हूँ मैं। हम भी सिक्री होने के बाद तो आपसे मिलाऊँगी, अभी दिखाऊँगी जो भी होगा। तक बने रही, देखते हैं होपफुली मैं कुछ भूलूँ ना आज और कल भी नहीं सुधरा, क्योंकि मेरा तो बहुत पुराना आदत है भूल जाने का। खाएंगे तो खाओ खाओ तभी खाएंगे ना। अभी एक्चुअली हम लोग आए हुए हैं KFC में थोड़ा सा पेट पूजा करने के लिए। तो चलिए पहले पेट पूजा कर लिया जाए। मैंने एक वेज बर्गर का कॉम्बो लिया है और इसके लिए KFC और मेरे लिए 7 Up। बैठ के खाया जाता है यहाँ पे, कराटे नहीं कर रहे हैं। बैठो, लोगों का खाना पीना सब हो चुका है और अभी भी मेरा बेटा अपना कोल्ड ड्रिंक्स इंजॉय कर रहा है, फिर मैं दिखाती हूँ। दिखाने के चक्कर में कोल्ड ड्रिंक्स गिरा ही देगा ये। तो हम लोग का पेट पूजा हो चुका है और अभी सभी का इंतज़ार कर रही हूँ मैं। एक्चुअली वहाँ पे मोना के पास जो थी, तो मैंने मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर दिया। कोई मूवी अच्छी मूवी नहीं लगी हुई थी, तो मैंने सोचा खैर छोड़ो, फिर अच्छी मूवी लगेगी तो देखा जाएगा। अभी कोई रणवीर सिंह की मूवी लगी हुई है, पता नहीं कोई जोगिंदर भाई जोरदार कुछ करके, पता नहीं नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने नहीं देखा। मैच ये अच्छा मूवी आएगा तो देखा जाएगा, तो मैंने नहीं देखा और मैंने सोचा कि एक्चुअली मैं ब्लैक, तो मैंने सोचा कि मेरा थोड़ा कुछ खा लेते हैं। तो बगल में KFC था तो हम लोगों ने वहाँ पर पेट पूजा कर ली। एक्चुअली गर्मी बहुत ही, तो सुकून के चक्कर में KFC में आई हूँ मैं, क्योंकि बाहर और कहीं कुछ खाना पॉसिबल नहीं था। यहाँ पर थोड़ा AC वगैरह चल रहा है तो ठीक लग रहा है। कहाँ जा रहे हो, बैठो यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पर आई। अभी देखिए, अभी ये खा लिए, अब चलिए अब मूवी देखने। इनको है कि KFC में या फिर मैकडोनल्ड्स में आके खाने के बाद मूवी देखने जाया जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बगल में थिएटर है तो सब लोग जाते हैं, तो पोस्टर वगैरह लगा रहता है। तो अब तो इतना समझदार हो ही गया है कि इसको लगे कि मूवी देखने जाना है, तो इसलिए जीत करते हैं। अभी देखिए ये कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ पर खाना खा लिया, बैठ भर के भी देखा। देखा कितने सारे स्टेप चेंज होने वाले हैं, तो इसके साथ आने के बाद यही है, अगर चिल्लाएगा अगर चिल्लाएगा तो ठीक है। अभी का थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, बाहर गर्मी में बैठने से अच्छा यही है बैठ, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। और होपफुली अभी को शायद एक दो टी-शर्ट भी लेना है, तो देखते हैं, अगर हो पाता है पॉसिबल तो लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। ठीक, बने रहिए।
लूज है लेकिन अच्छा है। सिर्फ पैंट ही है यहाँ पे, ये साइज ठीक है, शॉर्ट नहीं है, सिर्फ पैंट ही है, कैफरी टाइप पैंट है जींस का। एज यूजुअल ज्ञान भवन में हम लोग आए हैं शॉपिंग करने। मुझे एक जींस का बस कैफरी पसंद आया बट वो मैंने लिया नहीं। अभी ने एक दो टी शर्ट लिया है, उन्हें पसंद आया, मेरी पसंद का कुछ था नहीं। और मैंने पिछले बार ही दो टॉप खरीदा था तो इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं। लेट हो चुकी है, रात के 9 बज चुके हैं इसलिए भीड़ कम है। चलिए चलते हैं काउंटर पे। जो हमारे गेस्ट हाउस से बारात निकल रही थी उसका मैंने बस ऐसे थोड़ा सा ले लिया कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि बारात निकल रही और बाजा बज रहा है तो बस सब कुछ। जा रहे हो ना घर? कैसे बोलते हैं पुष्पा भाव? देखे देखिए आजकल तो बच्चों को मतलब क्या क्रेज हुआ है। एक बार और करके दिखाना कैसे बोलते हैं क्या? फिर एक बार देख देख देखा आप लोगों ने, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। तो अभी घर जा रहे हैं हम लोग, रास्ते में रात के 10 आई थिंक बज चुके हैं, 10:30 हो रहे हैं, निकलते हैं और आपसे मुलाकात होगी आई थिंक कल मॉर्निंग में। तब तक के लिए आप सबको गुड नाइट, मिलते हैं कल, बाय। वेलकम बैक टू माई चैनल, गुड मॉर्निंग। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि बहुत जल्द मेरे मम्मी और पापा आने वाले हैं तो वो लोग कल रात को आ चुके हैं और ये रही मेरी मम्मी। सबको हेलो कर दीजिए। हेलो। तो और पापा टीवी देख रहे हैं तो मैं उनसे नेक्स्ट के ब्लॉग में ज़रूर आप लोगों से इंट्रो करा दूँगी। और कल मेरा छोटा भाई भी आने वाला है तो होपफुली जब हम लोग कहीं एक साथ बैठ के बातें कर रहे होंगे, गप्पे लड़ा रहे होंगे तो मैं सबको एक साथ इंट्रो करा दूँगी। अभी फ़िलहाल मम्मी मुझे दिखा रहे हैं, लेके आई हैं कि वो शादी में मतलब क्या पहनेंगी, कैसे क्या है, वगैरह वगैरह उनको समझा दूँ। तो मैं अभी मैं वही देखने जा रही हूँ और मैं आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, तब के लिए बने रहिए। मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी मैं स्टेशन आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा छोटा भाई आने वाला है तो बस मैं उसी को रिसीव करने के लिए आई हूँ। और उसकी गाड़ी बहुत लेट थी, बेचारा बहुत टायर्ड हो चुका है, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा है। वैसे अभी ट्रेन आई नहीं है पर 10-15 मिनट में आ जाएगी होपफुली। तो चलिए मैं दिखाती हूँ उसका सूजा हुआ मुँह क्योंकि ट्रेन लेट हो जाने के बाद वैसे भी बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो चलिए चलते हैं, उससे मिलाती हूँ आपको। और ये है मेरा भाई और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय।